5 अक्टूबर से भारत में वनडे विश्व कप का आगाज हो जाएगा। वनडे विश्व कप का आगाज इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा। आईसीसी ने 27 जून मंगलवार के दिन विश्व कप को लेकर शेड्यूल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी किया। आपको बता दें कि तभी से सभी के मन में एक सवाल है कि पहला मुकाबला भारत का क्यों नहीं। आपको बता दें कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप की होस्ट है और ऐसा माना जा रहा था कि इस विश्व कप में जो पहला मुकाबला खेला जाना है वो भारत का खेला जाएगा। सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सोचकर कि भारत का पहला मुकाबला किससे होगा, लेकिन शेड्यूल जारी हुआ तो इसमें ये कंफर्म हो गया कि पहला मुकाबला भारत का नहीं होगा बल्कि गत चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच में होगा। साल 2019 में ये दोनों टीमें फाइनल में गई थी और इंग्लैंड ने वो विश्व कप जीता था। और वहीं एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि इस विश्व कप होस्ट होने के बावजूद भी टीम इंडिया का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर यानी कि विश्व कप के चौथे दिन होगा। हमने ये देखा है कि जो होस्ट टीम होती है वही विश्व कप का उद्घाटन करती है। अगर हम 1999 के विश्व कप के बाद से यानी कि 21वीं शताब्दी से देखें तो 2003 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप खेला गया था, उन्होंने विश्व कप की शुरुआत भी की थी, यानी कि टीम साउथ अफ्रीका का ही पहला मैच हुआ था। यही हुआ था साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां वेस्टइंडीज़ में विश्व कप खेला गया था और पाकिस्तान वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए मुकाबले से विश्व कप का आगाज हुआ था। यही भारत में जब 2011 में विश्व कप हुआ था तब भी टीम इंडिया ने बतौर होस्ट अपना पहला मुकाबला खेला था जिसकी वजह से ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, लेकिन साल 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। इसके पीछे की वजह जानते हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे की कोई ऐसी सटीक वजह नहीं है कि भारत का पहला मुकाबला क्यों नहीं हुआ। ये आईसीसी के और बीसीसीआई के हाथ में था कि वो पहला मुकाबला किसका करवाते। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि होस्ट टीम को ही विश्व कप का आगाज करना होगा, या फिर ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीमें ही इस बार भी विश्व कप का आगाज करेगी। ये होस्ट कंट्री और आईसीसी के हाथ में होता है कि उन्हें किस टीम के मुकाबले से शुरुआत करानी है। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस बार मिलकर ये फैसला किया है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले से विश्व कप का आगाज होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि साल 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप की होस्ट थी तब भी ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि 2011 से लेकर के एक बहुत ही अच्छा सहयोग देखा गया है कि जो होस्ट टीम है वो विश्व कप जीत रही है। साल 2011 में भारत वर्ल्ड कप का होस्ट था और वो विश्व कप भारत ने जीता। ऐसे ही 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड के साथ हुआ। तो यानी कि 2023 का विश्व कप भारत में हो रहा है और एक बार फिर से भारत के ऊपर निगाहें रहने वाली हैं। क्या इस बार टीम इंडिया फाइनल जीतकर विश्व कप उठा पाएगी? अगर हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हाँ। और इसी के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें।